फॉर्मेट एज ए टेबल करता है जब आपकी फॉर्मेटिंग, जब आपके सिस्टम के अंदर जो ऑलरेडी डेटा है उसकी फॉर्मेटिंग के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो उसको अपने हिसाब से फॉर्मेट, बने बनाए फॉर्मेट होती है, उसको अप्लाई कर सकते हो टेबल के फॉर्म में। ठीक है, और इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक तो फिल्टर लग कर आता है, नीचे जब ड्रैग करते हैं वो तो ऊपर हेडिंग अपने आप फ्री हो जाती है, देख रहा है। दूसरा, अगर टोटल ऐड करना हो तो टोटल लो, अपने आप नीचे टोटल ऐड हो जाता है, इसमें आप सम काउंट एवरेज सम टोटल यूज होता है, सब टोटल जिसको बोलते हैं, इसका यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, और नीचे और भी चाहिए तो इसको ड्रैग कीजिए, जो फॉर्मूला होगा अपने आप ड्रैग हो जाएगा, बाकी चीज़ आगे लिख सकते हैं, नीचे हमेशा रहेगा, तो इस तरह फॉर्म में बन के आपके पास आएगा। रिमूव डुप्लीकेट, अगर इसमें डुप्लीकेट वैल्यू जो एंट्री है उसको रिमूव कर सकते हैं हम। और स्पेशली इसका यूज हम लोग करते हैं जब डेटा कहीं से लिंकअप करते हैं ना उस केस में। कहीं से अगर डेटा हमें लिंकअप करना है, लिंक करना है, तो उसके टेबल फॉर्म में लिंक करते हैं, आगे जाके इसके बारे में पता चलेगा। एक तो टेबल वगैरह की टेबल में कुछ खामियां भी होती है, अगर चाहते हो कि नहीं इसको नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट टू रेंज कर लीजिए, अपने आप एक नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी नॉर्मल रेंज चल रहा है, तो टेबल इंसर्ट करने के लिए सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे टेबल कर दें, ठीक है, विदाउट टेबल के बाद आता है सेल स्टाइल। इसके कुछ बने बनाए सेल के स्टाइल्स हैं, फॉर्मेटेड हैं, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। हेलो, ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं। इंसर्ट डिलीट तो पता ही है आपको, इंसर्ट सेल कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस का शॉर्टकट होता है। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन की। अगर सीट में मुझे पासवर्ड डालनी है, किसी पर्टिकुलर शीट में अगर मुझे पासवर्ड डालनी है तो कैसे डालेंगे? तो अगर आपको पासवर्ड, हम सबसे पहली बात जानते हैं पासवर्ड डालते क्यों हैं, हम पासवर्ड डालते हैं ताकि इसमें कुछ किसी तरह का चेंजिंग ना कर सके, कोई एडिट ना कर सके। राइट क्लिक कीजिए, प्रोटेक्ट शीट, और यहाँ पे पासवर्ड डालिए। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपने पासवर्ड डाला तो पासवर्ड रिकवर करने का कोई चांस नहीं है। हालांकि एक बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन 100% गारंटी नहीं है कि पासवर्ड आपका रिकवर हो जाएगा, तो इसलिए आप अपने ध्यान से पासवर्ड डालिएगा। एक्सेल के पास कोई ऐसे सिस्टम नहीं है जो पासवर्ड रिकॉर्ड कर, पासवर्ड क्रेकर, रिमूवर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, पैकेज आते हैं, कुछ पेबल होते हैं, कुछ फ्री होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पासवर्ड रिमूव हो ही जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। जब हम पासवर्ड डाल देते हैं, प्रोटेक्ट शीट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम किसी तरह के चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, डेटा एंट्री ना फॉर्मेटिंग ऐसी कुछ चीज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर चाहो आप, अगर आप चाहते हो हेलो, मेल मिल गई आपको? मीटिंग आईडी नहीं मिली आपको सर? मीटिंग आईडी मिल गई आपको? तो एक बार गो टू मीटिंग में आई डाल तो एरर दे रहा है आपको, डिफिकल्ट नेटवर्क नेक्स्ट बता रहा है। एक बार इंटरनेट का दोबारा कनेक्शन कनेक्ट करके देखो ना, हो सकता है इंटरनेट स्लो हो गया होगा आपका।
क्योंकि इसमें और बच्चे आ गए हैं ना, एक बार पीसी रिस्टार्ट करके देख लीजिए। हाँ बाकी से कनेक्टेड है। अगर देख लीजिए एक बार, नहीं होता है तो एक बार दोबारा रीस्टार्ट करके पीसी देख लीजिए, ठीक है? तो इसमें प्रोटेक्शन जो हमने कर लिया था, प्रोटेक्शन में ये हो गया कि आप इसमें कुछ टाइप नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन अगर आप चाहो तो इसको कॉपी तो कर ही सकते हो ना। अगर मैं चाहता हूँ कि प्रोटेक्शन में कोई डेटा कॉपी भी ना कर सके। नहीं, मैं वो तो बात ही सीधी है, मैं मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि कॉपी ही ना कर सके। ओ, उसको कॉपी ही ना कर सके। तो ये कॉपी को कंट्रोल सी को रोकना एक्सेल के अंदर कोई अवेलेबल नहीं है प्रोसीजर के रूप में, लेकिन कॉपी करने की जरूरत क्या पड़ती है? सिलेक्शन की। अगर सिलेक्शन हटा दे तो कॉपी हट जाएगी हमारी। तो हम यहाँ पे सिलेक्शन को ही हटा देते हैं। कैसे हटाएंगे? एक बार इसको कोड में नहीं जाना, माफ कीजिएगा, अनप्रोटेक्ट करते हैं। जब हम प्रोटेक्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अलाउ ऑल यूजर फॉर दिस वर्कशीट टू, मतलब जो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये ऑप्शन हम अलाउ कर रहे हैं आफ्टर द प्रोटेक्शन सारे बंदे इस पर काम कर सकें। ये प्रोटेक्शन होने के बाद जितने भी प्रोसीजर है वो सारे प्रोसीजर को सब काम कर सके, ये ऑप्शन हम अलाउ कर रहे हैं। तो मतलब कि हम अथॉरिटी दे रहे हैं। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्ट लॉक सेल और सिलेक्ट अनलॉक सेल होता है। अनलॉक सेल पता नहीं, लेकिन इतना पता चलेगा सिलेक्शन की अथॉरिटी दे रहे हैं, इसको अनक्लिक कर दीजिए। हम कोई अथॉरिटी नहीं देते, ओके कीजिए, कहीं क्लिक ही दा ना, क्लिक होगा ना कॉपी होगा, विदाउट सिलेक्शन कॉपी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आपका हो गया कॉपी रिमूव। अब जैसे कि इन्होंने बताया कि मैं चाहता हूँ कि इसमें से जो मान लीजिए कि जो हमारे ये है क्वांटिटी वाली कॉलम है, इसके अलावा किसी और में कोई चेंज ना कर सके, ठीक है? तो अब बारी आती है कि जब प्रोटेक्ट शीट हम करते हैं तो वहां पे कुछ लिखा हुआ है कि प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेन ऑफ लॉक सेल। अब जानने की बारी आती है कि लॉक सेल क्या होता है और अनलॉक सेल क्या होता है। देखिए, हर एक सेल आपका बाय डिफॉल्ट लॉक्ड होता है। कैसे कैसे पता चलता है? इसकी प्रॉपर्टी लॉक्ड होती है। तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे आप जाते हो तो यहाँ पे प्रोटेक्शन से लास्ट में प्रोटेक्शन में लॉक लगा होता है। तो जिस पे लॉक लगा हुआ है लॉक सेल है, जिसका लॉक हटा दो वो उसकी प्रॉपर्टी अनलॉक्ड हो जाती है। मतलब कि आफ्टर दी प्रोटेक्शन उस पर किसी भी तरह के कंटेंट चेंजिंग हो सकती है। तो हमें इस क्वांटिटी वाले मेरे कॉलम के अंदर में हमें चेंजिंग करने हैं, तो राइट क्लिक किया और इस कॉलम को हमने यहाँ से अनलॉक कर दिया एंड ओके। और हम यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पासवर्ड डालिए और ओके कीजिए। यहाँ पे हम किसी भी तरह का चेंजिंग कर सकते हैं, बट बाकी जगहों पे चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया में अगर आप चाहते हो टाइप करवाना, बाकी एरिया में टाइप करवाना नहीं चाहते हो, तो उस पर्टिकुलर एरिया को आप सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके उसके प्रोटेक्ट सेल में जाके लॉट को अनलॉक कर दीजिए। तो इसकी प्रॉपर्टी अनलॉक्ड हो गई, अब बाकी की प्रॉपर्टी लॉक्ड हो गई, बाय डिफॉल्ट लॉक्ड होती है, ठीक है? और फिर यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। फिर राइट क्लिक, प्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड डालिए एंड ओके कीजिए। शुक्ला जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ यहाँ पे नहीं टाइप कर सकते। अगर मैं इसका उल्टा करना चाहूँ तो मैं चाहता हूँ कि इतने एरिया मेरा प्रोटेक्ट रहे, बाकी एरिया अनप्रोटेक्ट रहे। मैं सिर्फ रेड एरिया को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, बाकी को अनप्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने बताया आपको कि बाय डिफॉल्ट सेल हमारा लॉक्ड होता है और अनलॉक्ड होता है, तो पूरे सेल को मैं अनलॉक्ड कर दूं, लॉक्ड बाय डिफॉल्ट लॉक्ड सेल को। अभी क्या है, पूरा का पूरा सीट अनलॉक्ड हुआ और जिस एरिया को लॉक करना है उसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर दिया फॉरवर्ड सेल में लॉक्ड और ओके। और फिर मैं इसे पासवर्ड डालूंगा प्रोटेक्ट शीट में, तो क्या होगा? यहाँ पे टाइप हो सकता है, यहाँ पे टाइप नहीं होगा।
ठीक है। मैं एक बार और एक बार चीज बताना चाहूंगा कि मैंने अभी अभी यहाँ पे इसकी सिलेक्शन कॉपी रिमूव किया था, सिलेक्शन रिमूव किया था। कैसे रिमूव किया था? मैंने राइट क्लिक के जब प्रोटेक्ट शीट किया तो बाय डिफॉल्ट इसमें जो ये चीज़ें होती है अलाउ होती है कि आप पासवर्ड डालने के बाद क्या क्या चीज़ यूजर को काम करने दोगे। तो अपने हिसाब से जो आप चाहते हो कि काम करें, फॉर्म सेल की फॉर्मेटिंग कर सके तो फॉर्मेट सेल भी क्लिक कर दो, कॉलम कर सकते हैं, रो इंसर्ट डिलीट कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर पिवट या कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नाम हम चेंज कर सके, तो आप यहाँ पर चीज़ें डाल सकते हो। जो नहीं निकाला जाता उसको हटा सकते हो। तो मैंने यहाँ से इसकी सिलेक्शन थोड़ी हटा दी थी, जिस कारण से क्या हुआ था कि वो कहीं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा था, इस कारण से कॉपी नहीं हो पाया था। अब इसी की मदद से मैं एक काम और करने जा रहा हूँ, क्या कि मैंने यहाँ पे नेम लिखा, यहाँ पे मैं रॉल और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्क्स, ठीक है। इन तीनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा सबसे पहला काम कि मैं इन तीनों के अलावा कहीं और टाइप ना कर सके और मेरा कर्सर भी इन तीनों पे मूव करे, कहीं और मूव ना करे। तो पहला काम करा कि टाइप कर सकूं, तो सबसे पहले मैं कंट्रोल के साथ तीनों पे क्लिक करूंगा तो मल्टीपल सिलेक्शन हो जाएगी। फिर राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा, इसकी प्रोटेक्शन यहाँ से लॉक को अनलॉक कर दूंगा। लॉक सेल को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से अनलॉक कर दिया, देन ओके। अभी क्या है कि इस पे मैं अब जब पासवर्ड डालूंगा तो हमने सिलेक्शन हटाने के लिए क्या किया था कि सिलेक्ट लॉक सेल और सिलेक्ट अनलॉक सेल दोनों हटा दिए थे। इस बार मैं सिर्फ सिर्फ सिलेक्ट लॉक सेल को हटाऊंगा, मतलब कि ये तीनों के अलावा कोई और लॉक अनलॉक सेल नहीं है, बाकी सारे लॉक सेल है। तो मैंने बोला कि भाई कर्सर वही मूव करेगा जो अनलॉक्ड है, मतलब कि इन तीनों पे, ओके। अब इन तीनों से कर्सर कहीं जाएगा नहीं और टाइप भी हम इन तीनों पे ही करेंगे, कहीं और नहीं करेंगे। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, मैं आपको वही बेनिफिट दिखा देता हूँ। जैसे आपको डेटा एंट्री करते हैं कुछ, जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, हरी जी लाइट आ गई, आ जाओ। जैसे यहाँ पे क्वांटिटी एमआरपी टोटल कमीशन सॉरी टैक्स कमीशन यहाँ पे कॉस्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे डेट एंड टाइम हम डेटा एंट्री करते हैं। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे कि टोटल हमारा क्वांटिटी और मल्टीप्लाई हो के आता है, टैक्स का परसेंटेज आता है 12.36% और कमीशन इसका टोटल का 2% आता है और कॉस्ट इन तीनों को ऐड हो जाता है। ठीक है, और बाकी चीज़ मैनुअल टाइप होती है। तो जब भी हम टाइप करते हैं तो उसमें एक दिक्कत क्या होती है, जैसे मैंने नेम मान लो रवि डाला, क्वांटिटी मैंने 10 डाला, एम आर पी मैंने 60 डाला, और जैसे मैं टैब मारूंगा कर्सर यहाँ पे रहेगा, फिर मुझे चार कॉलम बाद यहाँ पे डेट और यहाँ पे टाइम डालने होते। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा कर्सर यहीं से डायरेक्ट यहाँ पे जंप करे, बीच में कहीं ना सिलेक्ट हो। तो मैं पूरे सीट को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और यहाँ से इसको अनलॉक कर दूंगा। बट ये तीन एरिया रखना है तो तीन एरिया तीनों को चार कॉलम जो उसको सेलेक्ट करके वापस इसमें लॉक लगा देता हूँ। अभी क्या है कि मेरा पूरा का पूरा सीट क्या है, अनलॉक्ड है, ठीक है, और सिर्फ ये एरिया लॉक्ड है। तो मैं पासवर्ड डालूंगा और इसमें बोल दूंगा सिलेक्ट लॉक सेल को, इसकी बता दूंगा मैं सिलेक्शन थ्रोटी को हटा दो, देन ओके। यहाँ पे मनीष क्वांटिटी मैंने डाला 30 और टैब मारते सीधे यहाँ जंप करेगा। तो मेरे हर एंट्री पे 4 सेकेंड बचते ना। और दूसरी चीज क्या हुआ कि अब कोई इसकी बीच का फॉर्मूला भी नहीं देख सकता इसमें क्या फॉर्मूला लगा है, अब बट इसको कॉपी कर सकता है, कॉपी करके किसी और शीट पे ले आ सकते, तो वहां जाकर भी फॉर्मूला दिख जाएगा। आप चाहते हो कि फॉर्मूला कहीं नहीं दिखे, उसको किसी कीमत पर फॉर्मूला नहीं दिखे, तो आप क्या करो कि आप इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल में या हिडन होता है ना, हिडन पे क्लिक कर दो, ओके करो। अब इसमें पासवर्ड डालिए, ये सब पासवर्ड डालने के बाद ही काम होगा, एंड ओके। अब इसमें नहीं दिखेगा फॉर्मूला, दिख रहा है इसके ऊपर दिख रहा है आपको, इसके आगे फॉर्मूला बार ही हाइड हो गया।
अगर कोई इसको कॉपी करके कहीं पेस्ट करता है तो पेस्ट इज वैल्यू होगा ना कि पेस्ट इज फॉर्मूला होगा, मतलब किसी भी कीमत में वो फॉर्मूला नहीं देख पाएगा, ठीक है। और बल्कि फॉर्मूला अपना काम करेगा, थोड़ा परफॉर्मेंस देगा, लेकिन कोई फॉर्मूला देख नहीं पाएगा। हमने क्या किया, जस्ट उसके राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके और उसकी प्रोटेक्शन में हिडन को सिलेक्ट कर दिया, क्लियर है। अब हम प्रोटेक्शन के इसके अंदर तो बहुत सारे प्रोटेक्शन कर लिया ना, लेकिन ये सीट कोई डिलीट है ना, प्रोटेक्ट कोई भी सीट को डिलीट मार सकता है। कुछ आदर सीट को कोई डिलीट ना कर सके तो उसके लिए आप रिव्यू में आइए, रिव्यू में प्रोटेक्ट वर्कबुक, प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर है ना उस पर क्लिक कीजिए, स्ट्रक्चर विंडो, स्ट्रक्चर विंडो जो भी करना चाहते हैं क्लिक कीजिए, अलाउ के कीजिए। आप सीट पे कोई भी जैसे पासवर्ड डाल दीजिए, मैंने पासवर्ड नहीं डाला क्योंकि तो पासवर्ड रिकवर करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए पासवर्ड नहीं डालता। आप अपने हिसाब से पासवर्ड डाल सकते हैं, ठीक है। विदाउट तो यहाँ पे डालने से क्या होगा कि पासवर्ड डालने के बाद किसी भी तरह के सीट पे हम सीट को एडिट कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं ना, हाइड एंड हाइड कुछ नहीं कर सकते हैं। सीट प्रोटेक्ट हो गया आपका। अब इसी और आती है, मैं एक ही एरिया में मैं एक एरिया से, मैं थोड़ा देर पहले इसकी एग्जांपल बताया था कि पर्टिकुलर एरिया में सिलेक्शन से बाहर कर दिया था, तो मैं एक पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर तो करना है, बट मैं नहीं चाहता कि कोई भी बंदा इस पर टाइप करे, किसी सिलेक्टेड बंदे को ही टाइप करना चाहता हूँ मैं। तो रिव्यू में आप जाइए, वहाँ पर आपके होता है अलाउ यूजर एडिट रेंज, उस पर क्लिक कीजिए, न्यू पे जाइए और यहाँ पे पासवर्ड जनरेट कर दीजिए, कर दिया आपने एंड अप्लाई एंड ओके। अब यहाँ पे प्रोटेक्ट कीजिए, अपना जो करना है आगे कीजिए। अभी क्या है कि यहाँ पे टाइप नहीं होगा, जैसे यहाँ पे टाइप करेगा वो पासवर्ड मांगेगा, अगर मैं पासवर्ड डालूंगा तो इस पर टाइप करने देगा, कब तक, जब तक कि मैं फाइल को रीओपन नहीं करता हूँ, जैसे रीओपन हुई अगेन पासवर्ड मांगेगा। इसका एक और बेनिफिट है कि आप एक ही जगह पर दो तीन पासवर्ड दे सकते हो, मान लो कि मैं इसके लिए कोई अलग पासवर्ड देना चाहता हूँ, तो इसके लिए आप यहाँ रिव्यू में जाइए, अलाउ यूजर एडिट रेंज न्यू, इसमें मैं दूसरा पासवर्ड दे देता हूँ, हाँ अप्लाई एंड ओके। यहाँ पे मैं किया प्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड डाला एंड ओके किया। अब यहाँ पे कुछ हम टाइप करने जाएंगे तो पासवर्ड मांग रहा है, इसमें मैं पासवर्ड डालूंगा एंड ओके करूंगा, तो इसमें काम करेगा, बट इस पर काम नहीं करने देगा, इसका अलग पासवर्ड है, इसका सेम पासवर्ड डालेंगे तो यहाँ पे एरर देगा, इसका पासवर्ड कुछ और है, तो कुछ और वाला पासवर्ड डालूंगा फिर वो काम करने लगेगा, फिर दोनों पे काम करने लगेगा। इसका यूज कहाँ कर सकते, एक ही फाइल पे मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, मान लो जैसे कि मेरे पास एक सिटी फाइनेंशियल में जब मैं काम करता था मेरे पास एक डेटा आता था, उसमें एक ही डेटा पे कई एक ही फाइल थी जिसमें कई बार पे काम करते थे। सबसे पहला जो होता था कि सबसे पहला कॉलिंग टीम थी जो कॉलिंग कर रही थी, उसका काम कॉलिंग का था, वो सिर्फ कॉलिंग करती थी, और कॉलिंग में क्या होता था वो पीटीपी जनरेट करती थी, तो उसका काम क्या था कि जस्ट पीटीपी डेट रिमार्क्स और पीटीपी डेट डालना, ठीक है। दूसरा बंदा क्या करता था कि उस पर्टिकुलर डेट को डेट पे एग्जीक्यूटिव को असाइन करता था कि इस पर पैसा लेने कौन जाएगा, उस पर्टिकुलर डेट में कौन जाएगा एग्जीक्यूटिव, उसका मोबाइल नंबर या बाकी जो डिटेल होते वो डिटेल डालता था। थर्ड बंदा फीडबैक लेता था कि कस्टमर से पैसा आया कि नहीं आया, आया तो कितना आया और इसके रिगार्डिंग रिसिप्ट नंबर क्या है वो डालता था। एक ही फाइल पर चार डिपार्टमेंट काम करते थे। अब प्रॉब्लम क्या होता था, अब मान लीजिए कि ये पीटीपी आज 20 पीटीपी है, 20 बंदों से पैसा लेना है, उसके बाद बंदे कम हो गए, तो उसने कस्टमर से सेटिंग करके और डेट को चेंज कर दिया, पीटीपी डेट चेंज कर दिया, कल की डेट कर दी, ठीक है। अब प्रॉब्लम है कि इसमें डेटा मिस, कॉलिंग टीम ने जो फाइल भेजा था उसमें आज 20 कलेक्शन है और एक ही फाइल में इसमें 19 कलेक्शन है, एक कहाँ गया। अब जो एमआईएस बना रहा था उसको मिसमैच रहा था, भाई ये मिसमैच हो क्या रहा है, फिर मैच करो आपस में। तो फिर मैंने क्या किया, मुझे दिक्कत होती थी काफ़ी भाई एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि मुझे देखना होता था ना कि मार्केट में जो पैसा जितना लेना था दिल्ली के कैप रेट कितना निकला, परसेंटेज कितना निकला, परफॉर्मेंस क्या है, और कैश कल कितना कैश जमा होने के लिए जाएगा, ज़्यादा कैश है तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना पड़ेगा, फिर लास्ट में अगर से कैश जो है वो आता था यहाँ भुसावन में, तो 1 करोड़ तक का कैश है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग खुद लेके जो था हमारी टीम लेके चले जाते थे। अब 1 करोड़ से ज़्यादा कैश है तो उसके लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट होता था, प्रोटेक्शन वगैरह लेते थे हम लोग, या फिर इन्फॉर्म करते थे कि भाई ज़्यादा है,
तो उस केस में हमें चाहिए होता था, तो ये एक दिन पहले ही पता होना चाहिए ना कि कल कितना कैश आने वाला है, तो इसमें पैसे ज़्यादा दिए हमें। तो मैंने क्या किया कि एक फाइल बनाया, बोला कि भाई आप लोग जो फाइल मेंटेन करोगे वो अपना फाइल से हमारे हटा दो, जो फाइल मेंटेन करोगे मेरा मेंटेन करोगे। उसमें मैंने बोला कि आप लोग क्या करते हो, इतना ही चेंज करते हो? कहाँ पे ये कलर कर दिया, कोई टेलीकलर टीम का है, इसका पासवर्ड डाला है टेलीग्राम टीम के, मैंने पासवर्ड बता दिया भैया, पासवर्ड तुम किसी को शेयर नहीं करोगे, कल की डेट में डेटा मिसमैच हुआ तो मैं तुम्हारे तुम्हारी ऐसी रही करूँगा मैं। दूसरा आ गया, वो आ गया फिल टीम का, जो फिल अरेंजमेंट करता है, फिल की जो अरेंजमेंट होता है उसका अलग पासवर्ड है, उसको भी बोल दिया पासवर्ड किसी को शेयर नहीं करना है आपको। तीसरा बंदा है, तीसरी टीम है, वो तीसरा टीम मेरा इसका है आपका फीडबैक टीम है, फीडबैक की अलग चीज़ है, कलर कर दिया। अब वो इसके लिए मैं तीनों का अलग अलग पासवर्ड जनरेट कर दिया, यहाँ रिव्यू में गया, अलाउ एडिट रेंज न्यू, यहाँ पे मैंने इसका अलग पासवर्ड दे दिया, एंड ओके एंड ओके अप्लाई, ठीक है। फिर न्यू पे गया, फिर मैं इसके लिए एक अलग शीट लिया, और इस पे एक अलग पासवर्ड दे दिया, ओके एंड ओके अप्लाई। फिर न्यू पे गया, फिर इस पे आया, और फिर इसका तीसरा पासवर्ड ले लिया, तीसरी पासवर्ड दे दी, ओके कंफर्म किया पासवर्ड एन ओके, तीन अलग अलग पासवर्ड हो गए। अब मैं इस पे राइट क्लिक किया, प्रोटेक्ट शीट कर दिया एन ओके। अब टेलीग्राम टीम बंद है, इसी पे काम कर सकती है, इससे अपना पासवर्ड डालेगी तो काम करेगी, इस पे जैसे काम करेगी पासवर्ड मांगेगा, अपना पासवर्ड डालेगी तो काम नहीं करने देगा, ठीक है। सेम जो बंदा है वो इस पे काम कर पाएगा, तो थर्ड टीम इस पे ही काम कर पाएगी, बाकी दो टीम पे काम नहीं कर पाएगी। इससे क्या हो गया कि मुझे कंफर्म हो गया कि भैया इसमें जो चेंजिंग है, एक टीम दूसरे टीम के की इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकती है, इससे मैं सिक्योर हो गया कि मैं जो हमारा दूसरा फाइल है, दूसरे फाइल से मैचअप करने की ज़रूरत नहीं है, इंफॉर्मेशन चाहिए, वरना क्या होता तीन फाइलों से मैचअप करता था। पहले जो टेलीकॉलर जो फाइल भेजा उसकी, और जो हमारा कलेक्शन में फाइल भेजा उसको आपस में मैच किया, था डेट चेंज तो नहीं है। फिर कलेक्शन जो फाइल मिला और फीडबैक जो फाइल मिला और दो बाकी दो फाइलों से फिर फील्ड चेंज किया, तीन चार काम होते थे, ये तीन चार काम मेरे बंद हो गए, हमने सिक्योरिटी सिस्टम लगा दिया, आपको चेंज नहीं करना है। अगर आपको कस्टमर का पीटी पे डेट चेंज करना है तो आप फीडबैक दें उसको, बोलो क्या बोलते हैं कॉलिंग टीम को, बोलो वो अरेंजमेंट करेगी, मेल डालो अप्रूवल डालो, पता चलेगा हमारे पास एग्जीक्यूटिव कम है, हम एंगेजमेंट करेंगे। वो बोलते थे कि हमें हमारे पास बंदे कम पड़ जाते थे, तो बंदे कम पड़ जाते आप मेल करो, हमें पता चले कि बंदे कम पड़े तो बंदे इंक्रीज करेंगे। आप मान लो कस्टमर ने आज पैसे देने का मूड में, आज उसके पास पैसा है, आपने उसको बोला कि ठीक है परसों आ जाओ, कल बीच में उसकी इमरजेंसी आ गई, पैसे खत्म हो गए, तो हमारा मन नहीं जाएगा ना। अब मैंने तो बैंक चले गए, बैंक लॉस तो बैंक का हो गया ना, तो क्यों जिस दिन कस्टमर ने डिसाइड किया उस दिन पैसा लेने हमें पहुंचना है। अगर आपके पास टीम कम है तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तभी तो हम हायर टीम को इन्फॉर्मेशन देंगे कि भाई बंदे कम पड़ रहे हैं। अब बीच में आप अपने आप मैनेज कर लेते हो तो आप ऊपर लग पता नहीं चलता बंदे का मैनेज तो हो रहा है, तो फिर इन्फॉर्मेशन चली आया तो एग्जैक्ट हमारा काम कम हो गया, ऊपर वाले को भी पता चल जाएगा कि भाई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने मल्टीपल शीट्स को आपस में पासवर्ड प्रोटेक्टेड किया था, ठीक है। तो शुक्ला जी और चंदन जी, आपको समझ में आया कि एक ही फाइल पे, बताइए। हाँ सुन रहा हूँ, हाँ, देखिए आप पहले पहले तो अनप्रोटेक्ट कर लीजिए फाइल को, फिर एक को सिलेक्ट कीजिए, रिव्यू के अंदर में आपके पास होता है अलाउ यूजर एडिट रेंज, अलाउ यूजर एडिट रेंज पे जाइए, न्यू पे जाइए, यहाँ पे पासवर्ड दे दीजिए ओके, फिर न्यू पे जाइए, फिर दूसरे यहाँ पे क्लिक करके दूसरे को सिलेक्ट कीजिए, फिर पासवर्ड दीजिए देन ओके, फिर तीसरा चौथा ऐसे ही, और लास्ट में जब कंप्लीट हो जाए तो आप पासवर्ड सीट की प्रोटेक्ट करना मत भूलें, सीट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ब्लैंक में तो कोई टाइप नहीं कर सकेगा, या ब्लैंक को सब टाइप करवाना है तो आप उसके लिए इसको अनप्ले कर दो, अनलॉक कर दो सबको, लेकिन ये एरिया अनलॉक रखना, क्लियर है।
अब बारी आती है फाइल की ओपनिंग पासवर्ड डालना। ये सब चीज़ें काम करने के बाद भी फाइल बंदे फाइल को ओपन कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस फाइल को कोई भी पर्सन ओपन ना कर पाए, एनीबडी इस फाइल को ओपन ना कर पाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे। आपके पास दो तरीके, एक तो फाइल को सेव करते हो ना, तो सेव करते समय टूल्स में यहाँ जनरल ऑप्शन आता है, यहाँ से फाइल में पासवर्ड डाल सकते हो, ओपनिंग पासवर्ड, कि बिना पासवर्ड के फाइल ओपन ही ना हो। तो कैसे कहाँ करोगे, फाइल जब नहीं है बिल्कुल आपकी, अभी जस्ट फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हो या फिर सेवेज करना आपको, तो उस केस में यहाँ पे आप जनरल ऑप्शन में दे सकते हो, ठीक है, पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई। क्लियर है चंदन जी, समझ में आया कैसे हो पासवर्ड प्रोटेक्टेड करोगे आप फाइल को। लेकिन क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर फाइल ऑलरेडी सेव्ड है, जैसे डेटा फाइल ऑलरेडी सेव्ड है, मैं इसको सेव एज करके नई फाइल नहीं बनाना चाहता, क्योंकि इससे मान लो कोई और भी चीज़ें लिंक है, लिंक टूट जाएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रिपेयर के अंदर, मेनू बार के अंदर प्रिपेयर आता है, प्रिपेयर के अंदर आपका आता है एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट, एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट में जाइए और यहाँ पे पासवर्ड डालिए, ये आपका ओपनिंग पासवर्ड है। लेकिन तीनों ही कोशिश में, चाहे सीट वर्कशीट कोई भी फाइल पर डालते हो, पासवर्ड रिकवर करना मुश्किल है। रिकवर करने का ऑप्शन एक्सेल के अंदर अवेलेबल है, अदर अदर टाइप पे है, जैसे कि आप अगर पासवर्ड क्रैक करना चाहते हो तो मेरे पास एक एडिंस मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है, एक एडिंस होगा मैं डाउनलोड में भरा हुआ, पासवर्ड क्रेकर करके आता है, ये एडिंस है, ठीक है ना, पासवर्ड यूजर है। तो इसको डाउनलोड कर लिया मैंने, डाउनलोड करने के बाद मैं जाऊंगा एक्सेल ऑप्शन के अंदर, एक्सेल ऑप्शन, इसमें आपके पास होता है एडिंस गो, और फिर उस पासवर्ड रिमूवर को यहाँ से हम ब्राउज करेंगे, आ गया, सेलेक्ट करेंगे, ओके यस आ गया एंड ओके। ऐसा करते ही आपके पास एडिंस का टैब बन गया। अब ये सीट पे पासवर्ड डाला है ना, मैं यहाँ से अनप्रोटेक्टेड सीट किया, अनप्रोटेक्ट कर लिया। अब ऐसा नहीं है कि आपके किसी भी प्रोटेक्शन को अनप्रोटेक्ट कर देगा वो। आपका पासवर्ड अगर लेंदी, जैसे एक सीट टेन में मैंने लेंदी पासवर्ड डाल देता हूँ, मैंने लेंदी डाल दिया ना, लेंदी पासवर्ड डाल दिया। अब इसको अनप्रोटेक्ट सीट करते हैं, सॉरी यहाँ से नहीं, टाइम ले रहा है इसको, 6 सेकंड ले लिया। जितना ज़्यादा आपका लंबी पासवर्ड होगा उतना ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम करेगा। आप पासवर्ड ज़्यादा, तभी तो बैंक बोलती है कि आप पासवर्ड में स्पेशल करेक्टर एट द रेट अपर लोअर केस का फंदा रखो, इसलिए बोलती है। सिंपल पासवर्ड लगेगा तो क्रैक कर रहेगा, क्लियर है। तो ये पासवर्ड रिमूवर है, आप वापस हटाना चाहते हो तो एक्सेल एडिंस में जाओ, गो, यहाँ से रिमूव कर दो, हट गया, ठीक है। ऐसे आपके पास वर्कशीट और फाइल के लिए मिलेंगे पासवर्ड, वहाँ से भी आपको ऐसे करने पड़ेंगे, ठीक है। आया समझ में आप लोगों को, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें और चीज़ें क्या है। अब इसमें नया आता है आपका, वो ऊपर आता है इसमें एडिटिंग भी, हमने सेल्स खत्म कर लिया, बात ही आती है एडिटिंग भी। अब मुझे इस पर सम करना है, तो मैं यहाँ पे ऑल्ट इक्वल लगाऊंगा और इसको सम कर लूँगा, क्या लगा के, जस्ट ऑल्ट इक्वल, हम हो गया। या फिर नहीं तो हमें क्या करना पड़ता, इस पर सम लिखना पड़ता, सेलेक्ट करना पड़ता, लेकिन ऑल्ट इक्वल से हमने कर लिया। और सम ही नहीं, इसमें आप बाकी चीज़ें भी कर सकते हो, एवरेज काउंट मैक्सिमम कर सकते हो, अपना एड्रेस ले लेगा। लेकिन बीच में अगर ब्रेक ब्रेक कर रखा है आपने, तो
तो ये आपको ऑल्ट इक्वल वहां पे परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, हाँ बाद में सेलेक्ट कर सकते हो। बारी आती है फिल की। अगर आपको सिक्वेंस बनाते हो, वन एंड टू लिखते हो, नीचे ड्रैग कर देते हो, आप इसको एक और तरीका जिससे आप इसको सिक्वेंस सीरीज दे सकते हो। सीरीज में आइए, यहाँ पे एक चीज़ और है, एक और आता है कि मैंने इसको अगर नीचे तक सेम कॉपी पेस्ट करना है तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हो ना, आप कंट्रोल डी भी कर सकते हो, सेलेक्ट करके कंट्रोल डी फिल डाउन और कंट्रोल आर फिल राइट। चंदन जी मैंने आपको म्यूट कर रखा है क्योंकि आपके बैकग्राउंड से काफ़ी शोर आ रहा है, जब आपको पूछना होगा तो आप अनम्यूट कर लीजिएगा। नाम का आगे जो आपका एक ग्रीन कलर का सिंबल होगा ना, उस पर रेड लगा होगा, उसको अनक्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, जो कुछ पूछना होगा तो। कंट्रोल आर, तो कंट्रोल डी से डाउन, आर से राइट, बाकी के लिए आपको मैनुअल करना पड़ेगा। लेकिन इसमें सीरीज इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो सीरीज को देखते हैं एक बार। सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमारे पास सीरीज, सीरीज में एक तो अगर लीनियर होता है कॉलम वाइज, यहाँ पे स्टेप वैल्यू, यहाँ पे स्टॉप वैल्यू। तो मैंने बोला कि मुझे 10 तक सीरीज बनाने हैं, तो 10 तक ही बनाएगा, एक एक का गैप देख। अगर आपको कुछ और चाहिए तो मैंने यहाँ पे दिया 5 का, मुझे यहाँ पे दो दो का गैप चाहिए, और जितना सिलेक्शन तो बना लें उतना बना लेगा। यही नहीं, अगर आप सीरीज में आप यहाँ पर ग्रोथ दे देते हो, ग्रोथ कर देते हो, और मैं यहाँ पर 2 कर दिया तो ये मल्टीप्लाई करेगा, मतलब कि सम करेगा। क्लियर है? लेकिन इसका यूज जो जाता होता है वो डेट में होता है। आपने डेट सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे जब हम सीरीज में जाएंगे तो यहाँ पे डेट आ गया, डेट में डे एक एक दिन का गैप आ जाएगा। इसमें एक और है आपके पास वीक डे, इसमें सैटरडे एंड संडे यहाँ पे कंसीडर नहीं करेगा, वो इग्नोर कर देगा। मंथ एक एक महीने का गैप देगा, एंड ईयर एक एक साल का गैप देगा। हाँ, सदस्य इन्वॉल्व कर देगा। क्लियर है? फिर में एक चीज़ और होता है, इसको बोलते हैं हम जस्टिफाई। जैसे कि मैंने यहाँ पे जैन लिखा, जैन लिख के नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ, ड्रैग कर दिया। अब मुझे इसको एक ही सेल में लिखना था कॉमा करके, कि जैन कॉमा फैब कॉमा मार्च, इसके लिए कॉन्करनेट आप लोग लगाते हो, लगाते हो ना। अब यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करो, बड़ा कर दिया आपने, इसको सेलेक्ट करो और यहाँ से कर दो आप यहीं पे जस्टिफाई। जितना बड़ा कॉलन होगा उतना वैल्यू अपने आप आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। फिर इसको कॉमा लगाना है तो कंट्रोल एस करो, स्पेस को रिप्लेस करो कॉमा से, रिप्लेस ऑल, हो गया। इसको वापस मुझे जैसे एक एक रो में था रो वाइज करना है, वापस रिवर्स करना है, तो आप क्या करो यहां पे बोलो कि कॉमा को रिप्लेस करे स्पेस से। ठीक है, उसका कॉलन को छोटा करो और फिर यहाँ पे आप जस्टिफाई, सॉरी माफ कीजिएगा, जस्टिफाई। ठीक है, इसका यूज कर सकते हो आप। एक चीज और है कि एक ही साथ कोई पूछना, अगर एक ही साथ आपको कई, मान लो कि मैंने यहाँ पे डेट लिख रखा है, डेट यहाँ पे मैं टुडे का फॉर्मूला लगा दिया, मैं चाहता हूँ कि मुझे ये सेम चीज सेवो शीट पे कॉपी पेस्ट करना है, तो इसको एक बार कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सिलेक्ट कीजिए, शीट टू में जाइए और शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट में क्लिक कीजिए, सारा सीन सेलेक्ट हो गया, और कंट्रोल वी कीजिए, तो अब जो काम होगा पूरे सीट पे सेम होगा, सारे सीट पे आ गया। इसको बोलते हैं एक क्रॉस वर्क शीट। जब ये सिलेक्ट करोगे तो ऊपर ग्रुप आ जाएगा। तो ये कैसे किया मैंने, कि मैंने इसको कॉपी किया, जहां से स्टार्ट करना है उसको सिलेक्ट किया और शिफ्ट दबा के सबसे लास्ट में सिलेक्ट कर दिया, और फिर जो काम करना कर दिया। लेकिन किसी सिलेक्टेड सीट पे मान लो कि मुझे जो है यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे मैं कुछ और लिखना है, टाइम लिखना है। ठीक है, तो टाइम मैं चाहता हूँ कि किसी किसी सिलेक्टेड सीट, सब सीट पे नहीं करना, सिलेक्टेड सीट पे करना है। जो कॉपी किया वापस गया, मुझे किस पे करना है, मुझे करना है आपको सीट टू पे करना है, तो कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट किया सीट फोर एंड सीट फाइव, तो जो चार सीट थे ना उसी पे पेस्ट होगा, सब पे पेस्ट नहीं होगा। या फिर जो भी हम, अगर पेस्ट नहीं करना है आपको, टाइप करना है तो टाइप भी कर दीजिए, जैसे कि टाइम यहाँ पे टाइम, ये चारों पे हुआ है, सीट टू पे भी हुआ है, फिर थ्री पे नहीं है, सीट फोर पे है, सीट फाइव पे है, फिर सिक्स पे नहीं है। ठीक है,
अब क्लियर की बात करते हैं, आप लोग फॉर्मेटिंग वगैरह लगाते हो और इसको मुझे क्लियर करना है तो क्या करते हो आप लोग, सब हटाना है तो डिलीट कर देते हो ना। बट डिलीट करने में प्रॉब्लम होता है, एक तो आपका सीक्वेंस गड़बड़ा जाता है, दूसरा अगर एक किसी से पासवर्ड प्रोटेक्ट पासवर्ड लिंक है, पासवर्ड लिंक कर रखा है, जब मैं इसको डिलीट करूँगा तो ये RF आ जाएगा। तो मुझे क्लियर ही तो करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्लियर ऑल, सिर्फ फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देगा, पूरी फॉर्मेटिंग को क्लियर फॉर्मेट, पूरा फॉर्मेटिंग सिर्फ फॉर्मेट क्लियर कर देगा, मतलब क्लियर ऑल हर चीज़ क्लियर कर देगा, क्लियर फॉर्मेट जस्ट फॉर्मेट क्लियर करेगा, और क्लियर कंटेंट जो डिलीट प्रेस करते हो उसका यूज करेगा, कमेंट्स कमेंट्स को क्लियर करेगा। आया समझ में? तो आज आपका टॉपिक जो था मैंने स्टाइल सेल्स को, मैंने हमने प्रोटेक्शन मेथड का टॉपिक था हमने कवर किया, कल हम शॉर्टिंग और फिल्टर और पिवट करेंगे, शॉर्टिंग फिल्टर और पिवट तीनों चीज़ कवर करेंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं कल सेम टाइम 12 बजे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इसकी रिकॉर्डिंग में आप लोड कर देता हूँ मिल जाएगी। शुक्ला जी कल की रिकॉर्डिंग मिल गई है आपको? सर रिकॉर्डिंग अगर मैं नहीं भेज पाता हूँ तो आप एक काम कीजिएगा, iptindia.com मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाइएगा, वीडियो सेक्शन में जाइएगा, जो वीडियो है इसके सेक्शन में जाइएगा। कल का फॉर्मूला क्या था? कल का फॉर्मूला था आपका, कस्टम एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग कल की टॉपिक थी, इसको सेलेक्ट कीजिए, टॉपिक वाइज होगा स्टार्टिंग में, ये आपका वीडियो आ गया। फिलहाल मैं अभी लिंक तो भेज देता हूँ कल की टॉपिक की, आप दोनों आदमी को। ठीक है, आज की अभी अपलोड होगी, थोड़ा टाइम लगेगा इसको अपलोड होने में। ठीक है, तो मिलते हैं कल सेम टाइम।